नमस्कार मेरे महारथियों, और स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग आईबीपीएस ए4 2022-23 के फाइनल सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। इस सेफ स्कोर को एनालाइज करने से पहले मैंने जी वैसे ही हमें लगा। एक सर्वे कंडक्ट कराया था, और उस सर्वे में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जो आपके रिस्पॉन्स रहे, जो डेटा हमारे पास है, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन हमने किया है। इस सर्वे को यहाँ पब्लिश करने से पहले थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि अभी मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, सीजनल अभी थोड़ा सा हो गया है, जिस वजह से इसमें थोड़ा लेट हुआ। क्योंकि देखिए, एनालिसिस का काम जो होता है ना, वो बहुत टाइम टेकिंग होता ही अपने आप में। बहुत कैलकुलेशन, बहुत मथापेची करना पड़ता है, इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। और ये चीज़ें, इसमें मैं किसी का भी हेल्प नहीं लेता हूँ, इसमें ये चीज़ें सारा मैं अकेले ही बैठ के करता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई बात नहीं है, अभी वैसे भी नेक्स्ट कोई आपका स्टेज है नहीं, बट मैं समझ रहा हूँ कि इस टाइम पर टाइम काटना आपके लिए बहुत मुश्किल है। 10 दिन भी रिजल्ट को बाकी है, पर एक एक घंटा भी आपके लिए निकालना मुश्किल हो रहा होगा, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। फिर भी मैंने कोशिश किया, जैसे ही आपके स्कोर कार्ड आए, काफ़ी बच्चों के मैसेजेस टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आए, मैंने लगभग, मुझे लगता है पर्सनली 250-300 बच्चों को रिप्लाई दिया है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि आप कितने सेफ़ हैं, सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या निश्चिंत हो जाना चाहिए, सब मैंने रिप्लाई दिया। फिर भी कुछ बच्चों का छूट गया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, तसल्ली से, इत्मीनान से एक एक चीज़ यहाँ पर दिखाएंगे, आपको डिस्कस करेंगे, एक्सेल शीट के सारे डेटा एक एक चीज़ दिखाएंगे, और जो जो एनालिसिस कह रहा है, जो डेटा आ रहा है, उसका समरी भी आपको हम यहाँ पर शो करेंगे। बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से इस बार मैंने आप यहाँ पे अभी नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने बताया कि अभी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी जो आपको जानकारी चाहिए, वो सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे एक्सेल सीट भी है, प्लस सबका समरी भी लिखा हुआ है। एक बार अगर समराइज़ करें, तो पिछली बार हमने लगभग 1200 के आसपास डेटा आपसे कलेक्ट किया था, 1200 के आसपास रिस्पॉन्स पिछली बार के सर्वे में हमारे पास आए थे। इस बार लगभग 1800 के आसपास आए हैं, पर हमने जो एनालिसिस किया वो 1200 पे ही किया है, 1200 पे ही किया है, ताकि डेटा बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। वैसे आपने डेटा का मैजिक देखा होगा, जब पहले दिन ये सर्वे कंडक्ट कराया गया था, उस टाइम पे 250, जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आ गए थे, 250 लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया था सर्वे में, तो मैंने उस टाइम पे आपको एवरेज स्कोर टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया था। आप देखेंगे कि 1200 पे भी एवरेज स्कोर लगभग उतना ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है डेसिमल का, इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो ये तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आउटकम होता है किसी सर्वे का। 1800 पे भी करने के बाद भी थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है एवरेज में, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया, और जितने भी रिडंडेंट इनकम्प्लीट डेटा है, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। 1:5 का रेशियो आईबीपीएस ने मेंटेन किया, इसको भी पूरा ध्यान में रखा गया। आपसे जो डेटा हमने लिया, वो आपका कैटेगरी पूछा, और आपका जो एग्जैक्ट मार्क्स है स्कोर कार्ड देखने के बाद, वो हमने आपसे लिया था। और इस समरी को मैंने एक ही स्लाइड में यहाँ पर डाल दिया सारा। सबसे पहले आपके सामने है हाइएस्ट रिकॉर्डेड मार्क्स, मतलब हमारे सर्वे में अनरिजर्व कैटेगरी का जो बच्चा पिछली बार पार्टिसिपेट किया था, उनका मार्क्स 48 था हाईएस्ट, इस बार 53 हाईएस्ट गया है। पिछली बार जो है हाईएस्ट रिकॉर्डेड मार्क्स ओबीसी का 46 था, इस बार 50 गया है। पिछली बार ईडब्ल्यूएस का हाईएस्ट रिकॉर्डेड मार्क्स 43 था, इस बार 50.25 गया है। और हाईएस्ट रिकॉर्डेड मार्क्स एससी का पिछली बार 40 था, यहाँ पर 39.75 इस बार गया है। हाईएस्ट रिकॉर्डेड मार्क्स एसटी का 38 था, इस बार 32.5 गया है सर्वे के अनुसार। अब है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग एक्सेल में भी देख लेते हैं, जैसे कि हाईएस्ट रिकॉर्डेड मार्क्स एक बार यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस, इन सब का चेक कर लेते हैं एक्सेल सीट में भी। तो ये हमारे पास डेटा का एक्सेल सीट है। अब यहाँ पर ऑलरेडी यूआर वाला फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम हाईएस्ट रिकॉर्डेड मार्क्स एक बार चेक कर लेते हैं, इसको शॉर्ट कर लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आप इसमें देखेंगे, ओके, हाईएस्ट मार्क्स जो है यहाँ पर आपका 53 मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स जो है 53, सेम वही यहाँ पर भी बताया गया है। एक बार ईडब्ल्यूएस चेक कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस में हाईएस्ट मार्क्स 50.25 है, और यहाँ पर देख लेते हैं, हमने फिल्टर यूआर में रखा हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में जो हाईएस्ट मार्क्स है, वो गया है आपका 50.25, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, एक बार एससी देख लेते हैं, एससी में जो हाईएस्ट मार्क्स गया हुआ है, वो है आपका 39.75, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी है 39.75 एससी का, और ओबीसी का 50, ईडब्ल्यूएस का 50.25, एसटी का 32.5 ही हाईएस्ट गया हुआ है यहाँ पर।
अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एवरेज मार्क्स की, ठीक है। तो 2022 की अगर बात करें तो ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स था वो 31.03 था। जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अपना स्कोर शेयर किया, उन सब का एवरेज स्कोर आया 31.03 आउट ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का जो एवरेज मार्क्स था वो 32.5 गया था, ओबीसी का 32.41, ईडब्ल्यूएस का 32, एससी का 30.5, एसटी का 27.5, एक हमने अदर्स का भी रखा था, पर अदर्स में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है तो उसको यहाँ पर वैलिड नहीं माना जा सकता है। अब यहाँ पर आइए, ओवरऑल एवरेज मार्क्स अगर इस बार देखें तो थोड़ा सा बढ़ के 33.58 गया है, पर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। वैसे यूआर की बात करें तो जो 32.5 पिछली बार था इस बार 34.5 गया है, ओबीसी का 32.4 इस बार 34.6, ईडब्ल्यूएस का 32 था इस बार 34.5 है, एससी का 30.5 था इस बार 31.2 है, और एसटी का 37.5 था इस बार 28.11 है। ये एवरेज मार्क्स है, ठीक है। अब एवरेज मार्क्स में इंक्रीज होना कोई बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं है, नहीं इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था, पहली बार आईबीपीएस ने लैंग्वेज से जो खेल करना स्टार्ट है वो पिछली बार उन्होंने शुरू किया था, बच्चे इस लेवल पे इतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थे, उस टाइम पे थोड़ा सा शॉक लगा था जिस वजह से बच्चों के मार्क्स थोड़े कम हो गए थे। इस बार क्या हुआ है, इस बार जो है बच्चे वेल प्रिपेयर्ड थे, हमने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, आपने काफ़ी कुछ भी खुद भी किया होगा कि अच्छे अच्छे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बीच में दोनों AFO के बीच नाबार्ड IBPS SO हुआ, उसका भी क्वेश्चन आपने देखा होगा कि हाँ कैसे कैसे लैंग्वेज से वो लोग खेल रहे हैं, तो इस तरीके से आप वेल प्रिपेयर्ड थे, बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं था। तो एक दो मार्क्स का एवरेज में इंक्रीज होना ये कोई शॉकिंग नहीं है, ठीक है, ये भी यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज एक बार देख भी लेते हैं, जैसे हम इसमें ओबीसी का देख लेते हैं, ओबीसी का एवरेज 34.06 है, एक्सेल सीट भी इसको चलते हैं, कैटेगरी में हमने डाल दिया ओबीसी, ठीक है। अब ओबीसी में यहाँ पर टोटल जो काउंट दिखा रहा है वो 599, यानी 599 ओबीसी के बच्चों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है, और इनका एवरेज जो है यहाँ नीचे में 34.06 दिखा रहा है। यहाँ पर भी ओबीसी का जो एवरेज है वो 34.06 है, ठीक है ये भी। अब एक बार एसटी का देख लेते हैं, एसटी का जो एवरेज है वो 28.11 है। अब यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं, एसटी कैटेगरी का चेक कर लेते हैं, एसटी कैटेगरी में देखिए एवरेज आपका 28.11 यहाँ पर शो हो रहा है। वैसे ही अगर यूआर की बात करें, सारा दिखा सकता हूँ बट टाइम टेकिंग हो जाएगा तो सब नहीं दिखाएंगे, समरी ऑलरेडी पीपीटी में लिखा ही हुआ है। यूआर का अगर देख ले तो यूआर में जो एवरेज गया वो 34.5 गया हुआ है, यहाँ पर नीचे में दिखाया। अब यहाँ पर आप देख लो कि यूआर का एवरेज जो है 34.59, तो ये तो एवरेज की बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग परसेंटाइल की बात कर लेते हैं। परसेंटाइल क्यों जानना जरूरी है, परसेंटाइल जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि IBPS जो है लगभग 1:5 के रेशियो में स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाता है IBPS SO के एग्जाम में, ठीक है। अब 1:5 का जो रेशियो है इसका क्या कहने का मतलब होता है, इसका कहने का मतलब होता है कि 100% बच्चे जो बुलाए गए हैं इंटरव्यू तक, उनमें से 20% बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, वो फाइनल लिस्ट में चले जाएंगे, और 80% बच्चे जो हैं वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो 20% वही बच्चे होंगे जो 80% या उससे ज़्यादा स्कोर कर रहे होंगे, है ना। तो इसलिए हमें जानना जरूरी होता है कि 80% पर जो बच्चा बैठा हुआ है अलग अलग कैटेगरी में वो कितना मार्क्स होल्ड कर रहा है। तो अगर पिछले साल की बात करें तो 80% पर जो यूआर का स्टूडेंट था वो 37 मार्क्स लेकर आ रहा था, और इस बार 38.5 मार्क्स लेकर आ रहा है। वैसे ही 80% पे ओबीसी में 36.5 ला रहा था और इस बार 37.25 ला रहा है, ईडब्ल्यूएस में 35 ला रहा था इस बार 37.5 ला रहा है, एससी में 34 इस बार 33.5, एसटी में 34 था इस बार 29 लेकर आ रहा है। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस का चेक कर लेते हैं एक बार, ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी का भी चेक कर लेते हैं। तो EWS में हमने देखा कि 2023 में जो 80% होल्डर है वो 37.5 ला रहा है, इसको एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। कैटेगरी यहां पर चेंज कर दिए और हमने डाल दिया EWS, ठीक है। अब EWS में आप देख लो कि EWS में यहां पर 164 काउंट है, तो इसका मतलब है कि जो 32-33 वाला रैंक पे स्टूडेंट बैठा होगा उनका मार्क्स एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। आप यहां काउंट नीचे में देखते जाइएगा, जब 32-33 होगा उस टाइम हम रुक देंगे। अब ये देख लो आप 32-33 के आसपास में कितने मार्क्स बन रहे हैं, 37.5 बन रहे हैं जो कि वहां पर दिखाया गया है। ऐसे ही ओबीसी में अगर हम चेक करें, ओबीसी का अगर हम चेक कर लेते हैं तो ओबीसी में जो टोटल काउंट आपको है कितना है,
टोटल काउंट 599 यानी लगभग 600 है। तो हम देख लेते हैं कि 120 रैंक पे जो बच्चे बैठा हुआ है उनका मार्क्स क्या है। तो 120 पे चलते हैं, एक बार काउंट आप चेक करते रहेंगे, 30, 70, 80, 90, 100, 100 के बाद 110, 120, ठीक है। 120 पर 36.5 मार्क्स बन रहे हैं, यानी 600 बच्चे हैं उसमें से 120 रैंक पर जो है वो 36.5 मार्क्स लेकर रहा है। तो यही यहाँ पर भी 36.5, एक सेकेंड, नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पर अभी मुझे देखने में गलती हो गई, मैंने यहाँ से देख लिया है, ऊपर से लेना पड़ेगा, वो मुझे लगा कि वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये लीजिए, यहाँ से हम देखेंगे 120 जाएंगे, ओके, काउंट चेक करते रहेंगे, 120 आते ही रोक देंगे, ये रहा 120, ठीक है। 120 पे आने के बाद जो स्टूडेंट है वो 37.25 मार्क्स लेकर आ रहा है, 37.25, और यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ भी 37.25 मेंशन है, ठीक है। वैसे यूआर की अगर बात कर ले तो यूआर में 38.5 लेकर आ रहा है 80% स्कोरर। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। अनरिजर्व की अगर बात करें तो यहां पर ओबीसी से चेंज करके पहले हम यूआर कर देते हैं। ये सारा डेटा आपको दिखाना हो रहा है इस वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पर कोई बात नहीं, आप देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको भी क्लैरिटी भी मिल जाएगा। यूआर की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 242 काउंट है। तो अब हम देख लेते हैं जो 48, 49 रैंक पर जो स्टूडेंट बैठा है उसके मार्क्स कितने हैं। तो काउंट में 48, 49 आते ही हम रोक देंगे, ये रहा 48, 49, 38.5 के आसपास, और वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 38.5 मेंशन है। तो ये सारे एनालिसिस थे, इन सबको ध्यान में रखकर और फिर आगे आप अपना सेफ स्कोर एनालाइज कर सकते हैं। आपने देखा कि एवरेज मार्क्स जो है वो थोड़ा सा 1-2 मार्क्स इस बार इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब परसेंटाइल में भी आप देख रहे हैं कि जो 80% स्कोरर है वो भी लगभग 1-1.5-2 मार्क्स इतना ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ जो पिछली बार आपने देखा था, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो फैक्टर है कि पिछली बार 1200 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार अभी तक 900 है, बट प्रोबेबली अभी भी वैकेंसी इंक्रीज होने के चांस हैं, बिल्कुल न्यूज आ रहे हैं कि वैकेंसी अभी भी लास्ट तक इंक्रीज हो सकता है, और 5000 के आसपास स्टूडेंट बुलाए गए हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं 100 के आसपास तो सीट कम दिख रहे हैं, मतलब 900 है, कम से कम 1000 के आसपास होना चाहिए, हम ये ऐसा सोच कर चल सकते हैं। बट आप यही देख लीजिए कि अगर इंक्रीज हुआ तो अच्छी बात है, नहीं इंक्रीज हुआ तो कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा पिछले बार से आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे पिछली बार अगर देखें हम यूआर की, तो यूआर का कट ऑफ जो था वो 63.87 था, ओबीसी का 63.47, ईडब्ल्यूएस का 62, एससी का 56 और एसटी का 53। जो इतने सारे कैलकुलेशन करने के बाद जो कुछ क्लैरिटी मिल रही है, आप इससे अग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सपेक्टेड है, प्रेडिक्टेड है, तो एग्जैक्ट तो उसको कहा नहीं जा सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, आप 2 मार्क्स ऊपर नीचे भी मैं इसको लेकर आप चल सकते हैं, पर यूआर का अगर 65 के आसपास लग रहा है कि आपका फाइनल कट ऑफ होना चाहिए, वैसे ओबीसी का 65 के आसपास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का 64 के आसपास, एससी का 59 और एसटी का 55 मार्क्स के आसपास आपका फाइनल कट ऑफ होना चाहिए। अब ये 65, 64 ये सब चीज़ें जो है 100 में से, 100 मतलब समझ रहे हैं, आपका जो रिटर्न का मार्क्स है उसका वेटेज 80% है और इंटरव्यू का मार्क्स का वेटेज है 20%। तो अगर आपके रिटर्न में मेंस में थोड़े कम भी हो और इंटरव्यू में अगर काफ़ी अच्छा आपने स्कोर किया हुआ है, तो ओवरऑल आपके अगर इसके आसपास भी बन रहे हैं 65 के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है, हो सकता है कि 65 ना होकर 66 हो जाए, या हो सकता है 65 ना होकर 63, 64 हो जाए, तो इसी के आसपास 65 के आसपास जो है आपका यूआर का अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का भी यहाँ पर जो डेटा कह रहा है वो हमने आपके सामने रख दिया है। अब इसमें अगर आपको लगता है कि आप इसके आसपास में रेंज कर रहे हैं, बिल्कुल होपफुल रहें, और नहीं अगर लगता है कि इससे काफ़ी पीछे हैं, इतना लाना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, तो अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपके सामने है, एएफओ की तो तैयारी बिल्कुल जारी रखनी है आपको, एएफओ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लेकिन इसके साथ ही जो भी कोई दूसरा एग्जाम आप टारगेट कर सकते हैं उस पर भी आप अपना फोकस बना कर रखें। और अगर लग रहा है कि नहीं ये तो मैं बिल्कुल क्रॉस कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, आप बिल्कुल होपफुल रहें, 1 अप्रैल का इंतज़ार करें, और किसी तरह का कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रिजल्ट देखिए, रिजल्ट शेयर करिए, मिठाई बांटिए, सब अच्छा होने वाला है। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।